ज्यादा ट्रैफिक में आपको सडन माइलेज में ड्रॉप देखने को मिलेगा। एवरेज जो है ना वो आपकी ड्राइविंग स्टाइल और आपकी ड्राइविंग हैबिट पे भी काफी डिपेंड करती है कि आप किस तरह से गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। कोई ओनर है जिसको पंच से माइलेज नहीं मिल रही तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम टू रियल कार इनफैक्ट्स, एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टाटा पंच सिटी में क्या माइलेज ऑफर कर रही है। बहुत लोगों को कंसर्न है कि यार कार की माइलेज कम है, कार में माइलेज इश्यूज है, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कार कितना एवरेज देती है सिटी में और सच में क्या टाटा की कार्स में, टाटा पंच में स्पेशली माइलेज इश्यूज है या नहीं। तो आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइज इस वीडियो में, तो प्लीज़ बने रहो वीडियो में। एंड जितने लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा गाइज कि मुझे एग्जैक्टली MID में क्या शो हो रही है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे एग्जैक्टली तो ये कार मुझे 16.2 की एवरेज यहाँ शो कर रही है एंड ये 45.4 किलोमीटर चली है। तो ऑलरेडी मुझे 16.2 की एवरेज यहाँ दे रही है। तो जिन जिन भी लोगों पहले ये कंसर्न है, ये पहले ही क्लियर हो रहा है कि यार गाड़ी की एवरेज में कोई इतना इश्यू है नहीं, बट फिर भी ये लाइव मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि आज लाइव करके देखते हैं एंड लाइव चेक करते हैं कि क्या सच में इश्यूज आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने ट्रिप इसकी सेट करके इसको ज़ीरो कर लेते हैं एंड देन नाउ यू कैन सी हमने इसको ज़ीरो सेट कर दिया एंड अब हम देखते हैं कि यार सच में क्या इस कार में माइलेज इश्यूज़ है या नहीं। तो गाइस, बहुत लोगों को ये कंसर्न है और काफ़ी लोगों ने, आप वीडियोस मैंने देखी हैं जिनमें लोगों ने रेज किया है कि यार टाटा की स्पेशली टाटा पंच में माइलेज इश्यूज़ आता है, माइलेज इश्यूज़ हैं टाटा पंच में। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है यार, बिकॉज इस कार को मैं ऑलरेडी 6 to 8 मंथ से ड्राइव कर रहा हूँ। यस, इनिशियली मुझे भी फील होता था कि टाटा इस कार में माइलेज इश्यूज हैं, बट जब मैंने अपनी थोड़ा ड्राइविंग स्टाइल चेंज करी और अपने ड्राइविंग हैबिट्स चेंज करी तो मुझे इस कार में एवरेज शो होने लग गई है और अब मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि इस कार में इतना कोई माइलेज इश्यूज है और अब ये कार मुझे एक डिसेंट अच्छी एवरेज शो कर रही है सिटीज़ में भी। और जिन जिन लोगों को यार ये डाउट है कि यार टैंक टू टैंक माइलेज चेक करनी चाहिए, तो मैंने इसकी टैंक टू टैंक माइलेज भी चेक करी हुई है एंड टैंक टू टैंक माइलेज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आजकल जितनी भी कार्स आ रही है, स्पेशली यार मैं कोई एक कंपनी का नाम नहीं लूँगा, जितनी भी कार्स आ रही है, जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है गाइस कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अगर आप MID और टैंक टू टैंक की माइलेज अगर आप चेक करोगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा किसी में भी। तो MID में भी ऑलमोस्ट सेम ही एवरेज शो करता है जो आप पैक का आपका टैंक टू टैंक होता है। तो हार्डली अगर आप देखोगे भी तो एक या दो आपको KMPL का डिफरेंस दिखेगा उसमें, अदरवाइज MID में भी काफ़ी हद तक आपको एक्यूरेट माइलेज दिख जाएगी। एवरेज जो है ना वो आपकी ड्राइविंग स्टाइल और आपकी ड्राइविंग हैबिट पे भी काफ़ी डिपेंड करती है कि आप किस तरह से गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल रैश ड्राइविंग कर रहे हो और आप हमेशा लाइक क्लच एंड ब्रेक का ज़्यादा यूज़ करते हो अपनी ड्राइव करते समय, तो डेफिनेटली आपको कार, कोई सी भी कार हो यार, नॉट दिस कार, कोई सी भी कार हो, वो आपको माइलेज इतनी शो नहीं करेगी, कभी भी नहीं देगी। अगर आपको एक अच्छी माइलेज निकालनी है किसी भी कार से तो आपको उसको उसी तरह से चलाना पड़ेगा, आपको एक एवरेज मेंटेन करनी पड़ेगी गाड़ी की स्पीड की और उसी स्पीड में आपको गाड़ी ड्राइव करनी है और जितना कम हो सके, जितना कम से कम हो सके आपको अपने क्लच एंड ब्रेक का यूज़ करना है, ज़्यादा एक्सेलरेट ना करे गाड़ी को और जितना रैश ड्राइविंग ना करें गाड़ी के साथ, जितना आप इस और स्पेशली पंच के साथ, तो यार ज़्यादा अगर आप जितना इस कार को रैश ड्राइव करोगे उतना ही ये आपको माइलेज इश्यू देगी। तो अगर आप बिल्कुल डिसेंट तरीके से गाड़ी चला रहे हो, ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर रहे चीज़ों को, ज़्यादा क्लच ब्रेक का यूज़ नहीं कर रहे, तो आप पंच से ईजिली अच्छी माइलेज निकाल सकते हो। अभी मैं मारुति की कार भी यूज़ कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ सेम टाइम पे, और मैं हुंडई भी देख रहा हूँ। तो ये इश्यूज़ है यार, आपको कोई भी कार हो अगर आप उसको ज़्यादा ट्रैफिक में, आपको सडन माइलेज में ड्रॉप देखने को मिलेगा, चाहे वो पंच हो, चाहे वो मारुति हो की कार हो, चाहे वो होंडा की कार हो। अगर आप ट्रैफिक में हो, आपको हैवी ट्रैफिक है, तो आपको सडन वो ड्रॉप देखने को मिलेगा माइलेज में। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे गाड़ी चला रहे हो और एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी अपने आप वो आपकी माइलेज कवर कर लेगी। आप क्या सोचते हो गाइस,
कि आपको इस कार से क्या एक्सपेक्टेशन है, ये कार आपको कितनी माइलेज निकाल के दे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और प्लीज जिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी पंच है वो इस कार से कितनी माइलेज निकाल रहे हैं वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये कार उन लोगों को कितनी माइलेज दे रही है जो ऑलरेडी पंच ओन कर रहे हैं। तो और बाकी जो नहीं कर रहे उनके लिए हम वीडियो बना ही रहे हैं, उनको आज हम क्लियर कर ही देंगे कि सिटी में भी इस कार की कितनी एवरेज है। कोई ओनर है जिसको पंच से माइलेज नहीं मिल रही तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा जितना एक्सपीरियंस बोल रहा है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस कार के साथ, आप थोड़ा टाइम दीजिए इस कार को और जो जो चीज़ें बोली गई हैं वीडियो में उस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको डेफिनेटली वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी अपनी कार में। सो नाउ गाइस, इट्स टाइम टू शो यू द फाइनल एवरेज। अब हम देखते हैं कि हमने इस गाड़ी में कितनी माइलेज हमें मिली है, तो लेट मी शो यू द माइलेज फर्स्ट। यार जैसा आप देख सकते हो, हमने ये गाड़ी 27.4 किलोमीटर रन की है और जो फाइनल एवरेज निकली है इसमें वो निकली है 14.8 की। ये एवरेज अभी थोड़ी ड्रॉप हुई थी, पीछे मेरे को थोड़ा जाम मिला था तो एवरेज थोड़ा ड्रॉप हो गया था, अदरवाइज़ ये मेरे को 16 की एवरेज शो कर रहा था। मैंने यार इसको कई बार ट्राई करा है इस चीज़ को कि ये जो अगर मैं बताऊँ आपको सीधे सीधे, तो गाइस सिटी में जो मुझे एवरेज इस कार से मिल रही है वो अराउंड 15-16 है एज़ पर MID। अगर मैं एक दो का वेरियंस इसमें मानूँ भी तो फिर भी ये मुझे, अगर मैं टैंक टू टैंक की बात भी करूँ तो ये मुझे 14 के अराउंड तो माइलेज दे ही देती है। सो गाइज, अगर आपको कोई कार विथ 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग 14-15 की माइलेज सिटी में दे रही है तो इट्स नॉट अ बैड एवरेज। आपको सेफ्टी भी मिल रही है कार में प्लस 14-15 की माइलेज भी मिल रही है तो मुझे नहीं लगता यार एक ख़राब एवरेज है ऐसी कार के लिए। तो 14-15 ऐसी माइलेज है जिसमें हम सिटी में ड्राइव कर सकते हैं और वो भी सेफ कार में। तो गाइज़ आपको क्या लगता है कि ये एवरेज कम है टाटा पंच के लिए या ये एवरेज सही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और प्लीज़ ये भी बताएं कि आप लोगों को कितनी माइलेज मिल रही है इस कार से। तो इसी तरह की और वीडियोज़ हम आपके सामने लाते रहेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।